इस्लामाबाद। कैसे पता चला आपको इस्लामाबाद? बस उसकी इमारतें देख के। इस्लामाबाद में तो नहीं रहती आप? नहीं, जाते रहते हैं। मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस, नाउ इज द फोर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। और उनकी उनकी फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी एक्सपोर्ट देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, तो हम अगर 2-3 डेकेड्स अगो इंडिया से हमारा कंपेयर होता था, तो इन लास्ट डेकेड हमने जो है ना वो अपने तमाम स्टेटस लूज कर दिया। ये इंडिया है, इंडिया का शहर जीरकपुर है, ठीक है, क्या कहोगे इसमें इतनी डेवलपमेंट आ चुकी है, कुछ कहोगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ के साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट सहनक। जी तो नाज़रीन, आज मैंने जिस शहर के बारे में बात करनी है, जिस शहर की मैंने आपको वीडियो दिखानी है और रिएक्शन लेना है, वो है इंडिया का शहर जीरकपुर है, जिसके अंदर पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आ गई है। और यही अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो आइए नाज़रीन से पूछते हैं कि अभी तक दोनों में सबसे ज़्यादा कितनी डेवलपमेंट आ चुकी है, लोगों का रिएक्शन लेते हैं। तो मैं चलिए आवाम से बात करती हूँ, क्या लग रहा है सर आपको, ये कौन सी कंट्री है? अब आपने देख लिया, अब तो पता चल गया। अच्छा, अगर आप ना देखते तो फिर आप किसका नाम लेते? मेरी बात है, देखिए जो पाकिस्तान के भी कुछ शहर है ना, लाहौर हो गया, कराची हो गया, जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, तो वो भी यानी कि उनके तमाम एरिया नहीं, कुछ एरिया जो है ना वो पोष ही है, वो हम दिखा सकते हैं दुनिया को। अच्छा, तो हम वी कैन कंपेयर इट विद लाहौर, विद कराची, विद पिंडी, इवन विद मुल्तान, तो जो हमारे जो अच्छे शहर हैं। लेकिन ये आम आदमी की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। आप जब आपकी बैग पे आप देख ले तो बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। अच्छा, आपकी बैग पे ना अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, लाइटिंग भी है, हर चीज है, लेकिन ये चीज आम आदमी की कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। सर, ये जो वीडियो में आपने शहर देखा है, आपको क्या लग रहा है कौन सा शहर है ये? ये चंडीगढ़ है? नहीं, चंडीगढ़ नहीं है, उससे पहले कुछ और था। उससे पहले भी था, क्या था? नहीं, उससे पहले था जीरकपुर। जीरकपुर, हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे कि जैसे जीरकपुर नजर आ रहा है डेवलपमेंट के लिहाज से, सड़कें साफ उतरी हैं, ऐसा पाकिस्तान का कोई शहर है जो नजर आता हो आपको इस टाइम में? हाँ, अगर आप इस्लामाबाद देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद विल बी बेटर देन दिस। जी, आई कैन से इट विद सर्टेनिटी, विद श्योरिटी। तो अगर आप लाहौर के भी कुछ एरिया आप देख लें तो दे कैन कंपेयर विद एनी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ एरिया जो यानी कि जहाँ ज्यादा आबादी नहीं है, जो यानी कि जहाँ पोश एरिया आप कह लें, या अदर अदर वर्ल्ड जहाँ अमीर लोग रहते हैं, हमारे बैरियर टाउन को देख लें, हमारे DHS को देख लें, तो वो साफ ही है, वहाँ जाओ तो दुनिया ही बदल जाएगी हमारी। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ दोनों मुल्कों की, तो अभी तक ज्यादा डेवलपमेंट किस में आई है, इंडिया में या पाकिस्तान में? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो भी जिसको भी आजकल इन टच है न्यूज के साथ, तो ही कैन इजीली से दैट कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। व्हाई? द रीजन इज दैट कि इंडिया इज बेटरिंग इन इस्लामाबाद। कैसे पता चला आपको इस्लामाबाद? बस उसकी इमारतें देख के। इस्लामाबाद में तो नहीं रहती आप? नहीं, जाते रहते हैं। नहीं, इस्लामाबाद नहीं है, उसके अलावा कोई और बताएं। लाहौर नहीं लगा आपको? मैं भी लाहौर ही हूँ। तो फिर आपने पहले इस्लामाबाद का नाम क्यों लिया? बस मेरे जहन में वही आया सबसे पहले। नहीं, मैं आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान नहीं है, कोई और कंट्री है। अब आप बताएं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान भी ऐसा होगा इंशाल्लाह। अब आप बताएं कौन सी कंट्री है ये? नहीं, फिर भी नहीं मुझे पता चला। चले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये जो शहर है ना, इसके साथ हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे। अच्छा, फिर तो ये इंडिया ही हो सकता है। देखा, हिंट ऐसा दिया आपने, फौरन पहचान लिया। हाँ जी, हाँ जी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और हमारी तरफ से हैं, उनकी तरफ से नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ कर देते जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ। अच्छा मैम, अगर मैं बात करूँ इंडिया का, ये इंडिया का शहर जीरकपुर है, जो पहले एक छोटा सा गांव होता था मोहाली नाम का, ठीक है, इसमें अब इतनी डेवलपमेंट आ चुकी है कि आजादी के बाद बहुत डेवलपमेंट आ चुकी है, क्या कहेंगे आप इतनी डेवलपमेंट देख के? मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं मतलब क्या मतलब आजादी के बाद कितनी तरक्की कर ली उन्होंने, इंडिया आईटी की फील्ड में इतना आगे चला गया, एजुकेशन मेहनत की है ना उन्होंने, मेहनत की है। अच्छा, और हमने हम थोड़ा सा काम चोर है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं।
सुस्ती है, सुस्ती है, बहुत सुस्ती है। अच्छा देखिए, दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, मैम कैमरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, देखिए दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों की बात करें तो एक तरक्की में काफी आगे निकल चुका है और हम थोड़ा सा पीछे रह गए। क्या रीजन हो सकती है इसके पीछे? इसलिए कि हमारी टांगे खींचने वाले बहुत लोग हैं। जैसा कि, जैसा कि आपको पता है, आप बताएं, इंडिया सबसे ऊपर है। अभी आप कह रही थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन है ना, है, ये है, ये सबको पता है कि वो हमारे साथ हमेशा बुरा ही करते हैं। हम उनके साथ जितना मर्जी अच्छा कर ले, वो हमें नीचा दिखाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। हमने अभी तक क्या अच्छा किया? मैच ही देख ले, क्रिकेट मैच ही देख ले, जीते हुए मैच हमें हरवा देते हैं, कैसे कैसे आप बताए ना, ये तो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी आप कह रही थी कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, देखे ना, जब आप ब्लेम कर रही हैं कि वही सब कुछ करते हैं, इसीलिए ना कि वो करते हैं तो होता है ना, वरना हमारी तरफ से तो नहीं होता। आप देखे ना, जैसे धमाके होते हैं हमारे लोग तो नहीं वहाँ जाकर करते ना, वही यहाँ पे आके हायर करते हैं तो ये काम होते हैं। अच्छा ये है, हाँ। लेकिन कभी इंडिया में धमाके हो तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने करा दिया, लेकिन पाकिस्तान करता नहीं, ये सबको पता है। अच्छा। कि पाकिस्तान ऐसे काम नहीं करता। चलिए तो अच्छी बात है। अच्छा मैम, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का तो दोनों में ज्यादा तरक्की अभी किस मुल्क में हो चुकी है? इंडिया में ही जाहिर है, वहाँ पे। और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता है कोई इंडिया के साथ? नहीं, हम कंपैरिजन कैसे, मतलब एजुकेशन की फील्ड में, आई टी की फील्ड में, अगर हम डेवलपमेंट में तो हो सकता है एजुकेशन में, क्योंकि पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे डॉक्टर्स को देख लें, इंजीनियर्स को देख लें, ये देखे ना मिसाल आपके सामने है, ऑरेंज लाइन, हाँ जी, फिर ये मेट्रो बस हो गई, देखे ना, ये इन्हीं की मेहनत से है ना, यानी कि हम भी डेवलपमेंट में आगे हैं। हाँ जी इंशाल्लाह हैं और आगे होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लाहौर ही हो सकता है, कैसे पता चला ये लाहौर है? पाकिस्तान ही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा ना वो पोस्टर एक लगा हुआ। यहाँ पर आपको क्या मीनारे पाकिस्तान दिखाई दे दिया? नहीं, मीनारे पाकिस्तान नहीं, फिर भी। अच्छा, नहीं ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई और कंट्री है, बताओ कौन सी हो सकती है? ये मुझे तो पाकिस्तान ही लगता है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर रशिया हो सकता है। अच्छा, रशिया गए हो? रशिया गया नहीं हूँ, लेकिन मूवीज वगैरह देखता हूँ। अच्छा नहीं, ये रशिया नहीं है, ये है इंडिया। इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया का शहर जीरकपुर है, ठीक है, थीक। क्या कहोगे इसमें, इतनी डेवलपमेंट आ चुकी है, कुछ कहोगे? हाँ कहूँगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा हमसे, मतलब पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री बन गया है। हाँ, क्योंकि उनकी जीडीपी भी हमसे बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तो इससे हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये जीरकपुर को देखकर, अगर बात करूं क्या लगता है, जैसे ये साफ सुथरा नजर आ रहा है तो पाकिस्तान का, अगर हम लाहौर की बात करें तो उसकी निस्बत लाहौर भी साफ सुथरा दिखाई देता है या नहीं? जी बिल्कुल, लाहौर भी में भी ज्यादातर सफाई है, लेकिन दूसरे कंट्री मतलब शहरों की निस्बत लाहौर में ज्यादातर सफाई है। अच्छा, अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों का, इंडिया और पाकिस्तान का, तो बनता है कोई कंपैरिजन? हाँ कंपैरिजन, कैसे? बिल्कुल ही बनता है, पाकिस्तान के भी बहुत से ऐसे मतलब शहर है जिनका मतलब दुनिया में भी नंबर 2 पे 1 पे जैसे आता है नाम, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ की निस्बत इधर भी कुछ कंट्री है, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इनमें डेवलपमेंट अच्छी है। अच्छा, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ मैम, ऐसे यही देना चाहूँगा कि दूसरे कंट्रीज को देखकर हमें भी वैसे ही डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपनी जीडीपी को स्ट्रांग बनाना चाहिए। चलो कोई पोएट्री सुना दो, अगर आपका दोस्त कह रहा है तो सराकी में सुनाऊँ मैं? सराकी, चलो सुना दो। जे लेना पई दिल चावी ना, एक कीते कोल भुलावी ना, मैं मुरीद दिल दा थोला हां, मैं कुटा दे नीर रुआवी ना। बस मुझे मुरीद की समझ आई है, तुम्हारा दाव था। जी उर्दू में बताऊं? हाँ चलो बताओ उर्दू में। उर्दू में ये है कि मैंने कहा कि अगर आप मेरे साथ मतलब दोस्ती कर रहे हो तो इसको निभाना भी पड़ेगा, मतलब है अगर आपने नहीं निभाना ना तो मुझे मतलब रात कहते हैं खून को खून के मतलब आंसू नहीं रुवाना। मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस नाउ इज द फोर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, और उनकी फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी एक्सपोर्ट देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, तो हम अगर 2-3 डेकेड्स अगो इंडिया से हमारा कंपेयर होता था तो इन लास्ट डेकेड हमने जो है ना वो अपने तमाम स्टेटस लूज कर दिए, ना तो अब हम उसके इस काबिल हैं कि हमें उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, ना दुनिया करेगी ना वो करेंगे, हम खुद से करते फिरे तो करते फिरे तो, लेकिन दुनिया और इंडिया हमारा कोई कंपेरिजन नहीं है उनके साथ, नॉट एट ऑल।
हम तो डे बाय डे डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन गिरती जा रही है, हम आई एम एफ के बगैर चल नहीं सकते। क्या वजह है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी लो जा रही है, कोई रीजन है? रीजन तो सबके सामने है, नहीं रीजन तो यही है ना कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, करप्शन है, गुड गवर्नेंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा हमारे दुबई में देख लें कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस कह लें या ब्यूरोक्रेट्स कह लें या जो भी कह लें, तो वो रिटायर होते हैं भाई चले जाते हैं, सबके एसेट्स बाहर हैं, पूछने वाला कोई है नहीं, तो जो है रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। और जजेस हमारे 6 जजेस हाई कोर्ट के वो लेटर लिख रहे हैं कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, वो लेटर लिखे जा रहे हैं कि इंटरफेरेंस की जा रही है, तो ये कोई डेमोक्रेटिक स्टेट में तो नहीं होता ना, ये तो बनाना रिपब्लिक की जो है ना सारे साइन है, ये कोई डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के साइन नहीं है जो यहाँ पे है। तो दिस इज द रीजन, करप्शन है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, माफियात है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो अपने स्फीयर अपने डोमेन में वर्क ही नहीं, अवल तो वर्क कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर कोई कर भी रहा है ना तो अपने डोमेन में नहीं कर रहा, तो दिस इज द रीजन। सर लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैसेज यही देना चाहूंगा कि आपकी क्यूरी आपका क्वेश्चन इट वॉज वर्थ अप्रिशिएटिंग, बहुत अच्छा था और आपके क्वेश्चन भी बड़े लॉजिकल थे, तो आई रियली एंजॉय। जितना सीन आपने सुनी है आवाम की राय, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।